माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैं एक दूसरा सैंपल पेपर साइंस का 10th क्लास के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। आप इसको देखो, सेक्शन ए में आपको पता है 1-1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपने उसका आंसर जो है 1 वर्ड में लिखना है, 1 लाइन में लिखना है। इट मे बी ऑफ 2 लाइन्स, नॉट मोर देन दैट। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो दिस इज वेरी सिंपल, दैट मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यू कैन राइट दिस मच ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 आर कॉल्ड जीरो वैलेंट। व्हाई? बिकॉज ड्यू टू देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स आर कंप्लीटली फिल्ड, सो दे हैव नो टेंडेंसी टू लूज और गेन एनी इलेक्ट्रॉन। यू कैन राइट दिस मच। नेक्स्ट आप इमेज दे रखी है, दिस इज द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड द रिलेटेड स्टडीज कंसेप्ट। वैसे इस पैराग्राफ में सब कुछ दिया होता है जो इन्होंने पूछा होता है क्वेश्चंस में। अगर आप इसको ध्यान से एक बार पढ़ोगे तो आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। जैसे बायोगैस इज एन एक्सेलेंट फ्यूल, दिस इज वन ऑफ द थिंग इज दिस इज रिन्यूएबल, नॉन एग्जॉस्टिबल। इट कंटेन्स अप टू 75% मिथेन। यहाँ पे आपको बता दिया कि 75% तो मिथेन ही है इसमें, बाकी दूसरी गैसेज हैं, बाकी हाइड्रोजन हो सकती है और H2S है इसके अंदर, ठीक है। सो दीज आर द गैसेज हेयर। इट बर्न्स विदाउट स्मोक, सो नॉन पोल्यूटिंग है, यहाँ पे आपको बता दिया। लीव्स नो रेजिड्यू लाइक ऐश इन वुड, चारकोल एंड कोल बर्निंग। इट इज एन एडिशनल एडवांटेज। इफ इट इज नॉट लिविंग बिहाइंड एनी ऐश, सो इट मस्ट बी हैविंग हाई हीट कैपेसिटी। सो इट इज ऑल्सो रिटन हेयर, इट इज हीटिंग, इट्स आएगा, इट्स हीटिंग कैपेसिटी इज हाई। Biogas is also used for lighting. This is an additional advantage. The slurry left behind is removed periodically and used as an excellent manure. This is an additional advantage because that manure is rich in nitrogen and phosphorus. You must be knowing nitrogen and phosphorus are very important nutrients for soil. The large-scale utilization of bio-waste and savage material provides a safe and efficient method of waste disposal beside supplying energy and manure. That means all these are additional advantages except this biogas. So let us see the questions. What type of source of energy is mentioned in the above picture? This is renewable. Does this source of energy can cause pollution? No, it is already written there that it burns without smoke. Justify your answer with a brief explanation. So you can write, it is a clean source of energy, it burns without smoke, it is non-polluting. Write the 2 advantages. हमने कई advantages paragraph में पढ़ी हैं, उसमें से आपको सिर्फ इसमें 2 ही लिखनी है। So you can write 2 advantages of biogas. First हो जाएगा, it leaves no residue like ash in wood, coal, charcoal burning. और दूसरा लिख सकते हो, इट्स हीटिंग कैपेसिटी इज हाई, इट इज़ चीपर एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। यू कैन आल्सो राइट हेयर वन ऑफ दीज दैट बायोगैस कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर लाइटिंग। सो यू कैन राइट। नेक्स्ट है, राइट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ बायोगैस। इट इज ऑलरेडी देयर, बायोगैस हैज कंपोनेंट्स, जैसा स्टार्टिंग में दिया 75% मीथेन है, तो बाकी जो बचा वो हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, H2 है, और जो इसका स्लरी होता है जिसको आप कन्वर्ट कर देते हो मैन्योर में, दैट इज रिच इन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। नेक्स्ट आपको दिया है, फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द 2 टेबल्स गिवन बिलो, स्टडी दीज टेबल्स रिलेटेड टू ब्लड शुगर लेवल्स एंड आंसर द क्वेश्चन। अब यहाँ पे दे रखा है ब्लड शुगर, तो अंडरस्टूड है कि ये डिसीज़ की बात कर रहे हैं, डायबिटीज़ की, और डायबिटीज़ में इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है इंसुलिन। जब इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तब डायबिटीज़ की डिसीज़ शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे लेवल दे रखे हैं, अगर हम यहाँ पे लेवल देखेंगे, डॉक्टर्स एडवाइस इज नीडेड, तो कब के बाद गुड लेवल होता है 180 का। 180 से अगर ज़्यादा हो गया तो डॉक्टर की एडवाइस नीडेड है, दैट मीन्स तब तक हम मान सकते हैं कि शुगर नहीं है या परमिसिबल लेवल में है। यहाँ पे 2 पेशेंट्स का टेबल दे रखा है, पेशेंट एक्सक्रीटिंग दे रखी है कि बिफोर ब्रेकफास्ट, क्योंकि खाने से ही शुगर होती है, बिफोर ब्रेकफास्ट
मतलब कि शुगर होती है, इंसुलिन बनता है नहीं बनता, दैट इज अ डिसीज। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, रेफर टू टेबल बी शोइंग द ब्लड रिपोर्ट ऑफ द लेवल्स ऑफ ग्लूकोज ऑफ पेशेंट एक्स एंड वाई। तो डिसीज तो पहले ही हमने डिस्कस कर ली कि डायबिटीज़ है। आइडेंटिफाई द हार्मोन, ये भी हमने बता दिया पहले ही कि ये इंसुलिन का बनना या ना बनने की वजह से होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाइट्स वुड यू रिकमेंड? नेचुरली अगर डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं तो लो शुगर होनी चाहिए। लो शुगर एंड हाई प्रोटीन, नो, लो शुगर एंड हाई फाइबर डाइट होनी चाहिए। डी रेफर टू द टेबल ए एंड सजेस्ट द वैल्यू ऑफ द मीन ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, पहले लिखा था उसमें कि गुड लेवल कहाँ तक है, 180 mg पर डीएल, डीएल इज डेसीलीटर। तो अगर इससे ज़्यादा हो गया दैट मीन्स डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द काज ऑफ एस्टिगमेटिज्म। एस्टिगमेटिज्म एक एरर होता है आई के अंदर जिसकी वजह से जो कॉर्निया की शेप है वो थोड़ी वेरी करती है, और उसकी वजह से किसी भी पर्सन के लिए अगर एस्टिगमेटिज्म है वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन में डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए जो लेंस यूज़ करते हैं वो करते हैं सिलेंड्रिकल लेंस। सो जो कॉज होता है एस्टिगमेटिज्म का दैट इज़ वेरिंग कर्वेचर इन बोथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, स्टेटमेंट ए द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज फिक्स। नो, द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस फिक्स नहीं होती, दैट इज़ वेरिएबल। सेकेंड है, द कॉर्निया ऑफ द आई कैन बी कंपेयर विद द शटर ऑफ द कैमरा। कॉर्निया को हम शटर के साथ कंपेयर नहीं करते, बल्कि जो उसका प्यूपिल होता है उसको शटर की तरह कंसिडर करते हैं। बिकॉज शटर इज़ द स्मॉल ओपनिंग इन द कैमरा एंड प्यूपिल इज ऑल्सो स्मॉल ओपनिंग इन आई। सो एंड फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज फिक्स्ड? नो, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंथ इज नॉट फिक्स्ड, इट हैज़ टू कंपोनेंट्स। एक कॉर्निया, कॉर्निया की फोकल लेंथ फिक्स होगी, लेकिन जो आई लेंस है वी कैन सी द ऑब एनी ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ दीज टू लेंसेज। तो वन ऑफ दैट इज फिक्स्ड, दैट ऑफ कॉर्निया, बट द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज नॉट फिक्स्ड। सो तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट ठीक नहीं है, दैट मीन्स ए इज देयर। नेक्स्ट है आपके पास, हाउ मैनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन गुजरात? देर आर फोर नेशनल पार्क्स एंड दीज फोर नेशनल पार्क्स आर वंसदा, ब्लैक बक, गिर, मैरिन। सो दीज आर द फोर नेशनल पार्क्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट इलेक्ट्रिक फ्यूज? इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन लाइव वायर, ट्रू। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द एंड ऑफ द सर्किट, नो। इट इज कनेक्टेड इन द बिगनिंग ऑफ द सर्किट फ्रॉम वेयर द इलेक्ट्रिसिटी एंटर्स, वेयर द इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑन। थिनर द फ्यूज वायर ग्रेटर इज इट्स करेंट कैपेसिटी, दिस इज रॉन्ग। बिकॉज इफ थिनर द फ्यूज वायर हायर विल बी द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, सो लोअर विल बी इट्स करंट कैपेसिटी। इट्स करंट कैपेसिटी मस्ट बी लेस देन द मैक्सिमम करंट, यस। सो रॉन्ग आर बी एंड सी, दैट इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज इन द पेपर इंडस्ट्री एज ए ब्लीचिंग एजेंट, यस। इट इज यूज एज ब्लीचिंग एजेंट फॉर वुड पल्प, यू मस्ट रिमेंबर दिस। एन एसिड कैन रिएक्ट विद लेड सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, यस। सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक इन नेचर बिकॉज सोडियम इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड कार्बोनेट इज वीक एसिड। नेक्स्ट इज, दिस इज फ्रॉम बायो, यू कैन रीड दिस बट आंसर इज बी हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन नेचुरल इकोसिस्टम्स डिकम्पोजर्स इंक्लूड ओनली बैक्टीरिया एंड फंजाई। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियड। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर फर्स्ट ग्रुप जो होगा एल्कली ग्रुप, उसके बाद एल्कलाइन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोज आर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन एनी पीरियड। सो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डिक्रीजेस, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्वस सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट एंड आयरन सल्फेट वर टेकन इन टेस्ट ट्यूब वन एंड टू बाई फोर स्टूडेंट्स ए बी सी एंड डी। मेटल पीसीज ऑफ आयरन एंड जिंक
were dipped in two solutions and observations made after several hours were recorded in the form of table as given below. यहाँ पर इन क्वेश्चंस में आपको देखना है कि जो भी सब्सटेंस आप दूसरे सॉल्वेंट में डाल रहे हैं तो जो सब्सटेंस है जो आपने डाला मेटल दैट शुड बी मोर रिएक्टिव देन द मेटल आयन यूज्ड इन सॉल्यूशन ओनली देन द मेटल कैन डिस्प्लेस दैट मेटल आयन तभी वहाँ पे कुछ चेंज होगा वरना चेंज नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखें दिस इज आयरन दिस इज जिंक आयन. अगर आयरन जिंक से ज़्यादा एक्टिव है तो आयरन जिंक को डिस्प्लेस करेगा वरना नहीं करेगा. दैट मीन्स हमको पता है ये आपको याद करना पड़ेगा आयरन जिंक से कम एक्टिव है तो यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा. यहाँ पे लिखा है टर्न ग्रीन नो इट इज़ नॉट देयर. ये हो सकता है नो चेंज बट यहाँ पे दे दिया इन्होंने ब्लैक डिपॉजिट सो इट इज़ अगेन नॉट पॉसिबल. इफ़ दिस इज़ नो चेंज हेयर इट शुड ऑल्सो बी नो चेंज. तो यहाँ पर नो चेंज यहाँ यस दिस मे बी ट्रू दिस इज नो चेंज हेयर नो चेंज ग्रेट सो दिस इज सी ओनली. आयरन इज नॉट मोर रिएक्टिव देन जिंक बट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन सो जिंक कैन डिस्प्लेस आयरन हेयर. दैट मीन्स यहाँ पे क्या बन जाएगा आयरन प्लस जिंक सल्फेट बन जाएगा कलरलेस यस एंड ब्लैक डिपॉजिट सो दिस इज ट्रू सी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है In esterification, carboxylic acid and alcohol react in the presence of acid to give ester. Yes, in esterification, carboxylic acid, एक acid होगा, एक alcohol होगा, और acid in the presence of acid that means sulfuric acid. Sulfuric acid उसमें से water remove कर देगा, तो carboxylic acid plus alcohol में से अगर आप water निकाल देंगे, तो आपके पास ester बचेगा. Ester that means For example, CH3COOC2H5. So this is ester. And next is esterification is the reverse of sponification. No, esterification is not the reverse of sponification. Sponification gives rise to salt of some fatty acid. So this is A. Assertion is correct, but reason is incorrect. Next question is. When the length of wire is doubled, then its resistance also gets doubled. Yes, we know that resistance is directly proportional to length. So, this is true. The resistance of a wire is directly, is proportional to its length. So, both are true and this is the right explanation. Reason B, theek hai. So, this is B. Both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एक्वा सोल्यूशन हैज ए पीएच वैल्यू ऑफ 7. तो अगर पीएच वैल्यू 7 होती है दैट मीन दिस इज न्यूट्रल. अगर 7 से कम होगी तो एसिडिक होगा 7 से ज्यादा होगी तो बेसिक होगा सो दिस इज न्यूट्रल. नेक्स्ट है इफ एच पॉजिटिव कंसेंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन इज 1 × 10⁻²⁺ मोल पर लीटर व्हाट विल बी इट्स पीएच वैल्यू. यहाँ पे P4 लिखा है दिस इज पीएच वैल्यू. तो यहाँ पे इफ एच आयन कंसेंट्रेशन इज गिवन टू यू 1 × 10⁻²⁺ मोल पर लीटर सो दिस इज द कंसेंट्रेशन. तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लोग एच पॉजिटिव. एच पॉजिटिव इज 10⁻². दिस इज 10⁻². माइनस टू आपके पास आगे आ गया माइनस टू माइनस इंटू माइनस टू प्लस टू एंड लॉन्ग 10 इज 1. सो पीएच की वैल्यू 2 होगी दैट मीन्स दिस इज हाईली एसिडिक. दिस इज जितनी पीएच की वैल्यू कम होगी उतना ज़्यादा एसिडिक होगा सो पीएच इक्वल टू 2 इज वेरी एसिडिक. हेयर 1 mHcl इफ दिस इज HCl दिस इज एसिडिक सोल्यूशन. पीएच की वैल्यू 7 से कम है 1 mNaOH दैट इज बेसिक सोल्यूशन. पी एच की वैल्यू 7 से ज़्यादा है और आपने बताना है विच हैज़ हायर पी एच वैल्यू. तो नेचुरली इफ दिस हैज़ लेसर देन 7 दिस इज मोर देन 7 सो पी एच ऑफ 1 mNaOH हैज़ हायर पी एच वैल्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द करेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर CO2. तो बड़ा फेमस सा टेस्ट है CO2 की टेस्टिंग के लिए कि CO2 को जब आप लाइम वाटर से पास करते हो तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट. बट अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को उसके बाद भी मिल्की होने के बाद भी पास उसमें से करते रहते हो तो क्या होगा देन इट बिकम्स कलरलेस. व्हाई
due to the formation of calcium bicarbonate. How that calcium bicarbonate is formed? This is water here. इसमें से आप CO2 पास कर रहे हो तो क्या बन जाएगा H2O plus CO2 बना देगा H2CO3. This is carbonic acid and when this carbonic acid reacts with calcium carbonate, it forms calcium bicarbonate and that is soluble. That's why this becomes colorless. Next question है, ये वही question है जैसा हमने पीछे table वाले में किया कि zinc pieces were placed in each of the four test tube containing different salt solution as shown below. यहाँ पे aluminium sulfate solution में zinc डाल दिया, यहाँ पे zinc sulfate solution में zinc डाल दिया, यहाँ पे iron sulfate solution में zinc डाला है और यहाँ पे copper sulfate solution में zinc डाला है. यहाँ पे aluminium जो है वो ज़्यादा reactive है zinc से, zinc ज़्यादा reactive नहीं है aluminium से, तो यहाँ पे ये zinc इस एल्युमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा. यहाँ तो जिंक के साथ जिंक है तो इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी चेंज, बट हेयर आयरन सल्फेट एंड जिंक, हेयर जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन सो इट विल डिस्प्लेस आयरन. यहाँ पे भी कलर चेंज होगा. एंड कॉपर सल्फेट, यस जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इट विल रिप्लेस कॉपर हेयर सो दे विल बी ए कलर चेंज इन दिस आल्सो. सो रिएक्शंस आर रिटन हेयर, यू कैन सी इट. कलर चेंज विल अपीयर इन थर्ड एंड फोर्थ टेस्ट ट्यूब. इन थर्ड टेस्ट ट्यूब जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन सो जिंक डिस्प्लेसिस आयरन इन आयरन सल्फेट एंड फॉर्म्स जिंक सल्फेट. रिएक्शन आपको दे दिया, जिंक प्लस फेरस सल्फेट इक्वल टू फेरस प्लस जिंक सल्फेट. एंड नेक्स्ट इज इन फोर्थ टेस्ट ट्यूब ऑल्सो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड फॉर्म्स जिंक सल्फेट. रिएक्शन इज जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, दैट इज जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोजिशन ऑफ थ्री एलिमेंट्स ए बी सी इन द पीरियोडिक टेबल आर गिवन बिलो. यहाँ पे ग्रुप 16 दिखा रखा है, ग्रुप 16 में नीचे है बी, यहाँ पे ग्रुप 17 दिखा रहा है, यहाँ पे ए और सी. यहाँ पे अगर हम इसी को पीरियड टेबल कंसीडर करें तो इधर को अगर हम लेफ्ट से राइट को जाएंगे एक पीरियड में तो इसका जो रेडियस है वो कम होता जाएगा. जैसे जैसे नीचे जाएंगे एलिमेंट बल्की होगा तो कम रिएक्टिव होगा. सो दीज आर द बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ पीरियड टेबल. सो यू मस्ट see this. Now we can see ke what are the questions. State whether A is metal or non-metal. State whether A is metal or non-metal. Group 17. 18 से पहले है तो it requires electron. These are electronegative. Electronegatives are non-metal. So A is non-metal. State whether C is more reactive than A. A is more reactive than C. मैंने अभी आपको बताया जो नीचे होंगे वो बल्कि हो जाएंगे तो they will not be reactive. Will C be larger or smaller in size than B? मैंने अभी आपको बताया इससे पहले. As we move from left to right, size decreases. So the size of C will be lesser than B. Which type of ion, cation or anion will be formed by element A? Element A, this is group 17, that means in outermost orbit there are 7 electrons, that requires 1 electron more, so this will be anion. Next question is, why does the sun appear reddish in the morning as well as in the evening? So morning, evening mein hota kya hai? Let us draw a diagram here. Consider this as earth and this is the position. This is at the time of sunrise and this is at the time of sunset. This is known here and in between there is atmosphere. This is atmosphere. So at sunrise, sun rays have to travel this much distance, whereas at noon this has just to have traveled this much distance. So at sunrise and sunset, sun rays have to travel a larger distance. So what does longer wavelength do? Jitni jyada longer wavelength hogi, utni kam scattering hogi air particles se.
और अगर एयर पार्टिकल से कम स्कैटरिंग है दैट मीन्स जो लाइट है वो आपको रेड नजर आएगी बिकॉज रेड लाइट हैज लार्जर वेवलेंथ वेर एज ब्लू हैज मिनिमम वेवलेंथ रादर द वेवलेंथ ऑफ रेड इज ऑलमोस्ट ट्वाइस दैट ऑफ ब्लू और वायलेट दैट मीन्स स्कैटरिंग विल बी ऑलमोस्ट 1/16 द स्कैटरिंग ऑफ रेड विल बी 1/16 दैट ऑफ ब्लू तो स्कैटरिंग इज वेरी मच मिनिमल एंड रेड लाइट विल अपियर एट द टाइम ऑफ सनसेट और सनराइज सो यू कैन राइट इट लाइक दिस इन मॉर्निंग और इन द इवनिंग दैट इज एट सनराइज और सनसेट सनरेज हैव टू ट्रेवल ए लार्जर डिस्टेंस एंड इन बिटवीन देर इज अ लॉट ऑफ एटमोसफेयर विच स्कैटर्स द लाइट रिसीव्ड फ्रॉम द सन एंड ऑल्सो स्मॉलर वेवलेंथ्स आर स्कैटर्ड मोर सो रेड लाइट हैविंग लार्जर वेवलेंथ इज स्कैटर्ड लीस्ट एंड रीच द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर एंड सन अपीयर्स रेडिश सो दिस इज रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन नेक्स्ट इज वट आर फॉसिल्स एंड वट डू दे टेल अस अबाउट द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन दैट इज फ्रॉम बायो यू कैन डू दिस List in tabular form three distinguishing features between cerebrum and cerebellum. Next question is, the diagram shows a bar magnet surrounded by four plotting compass. Copy and diagram and mark the direction of the compass needle for each of the cases B, C and D. In case of magnet, what happens? Yahan se they move like this. Like this. So this is here in this direction. Yahan pe bhi hai, but here it goes inside. So this will be in this direction. So this is regarding this. Which is the north pole, X or Y? From north pole, lines of forces always come outside. From this, lines of forces are coming outside. So this is north pole, this is south pole. Here this is terminating, here this is emanating. Next question is, suppose your parents have constructed a two-room house and you want that in the living room there should be provision of one electric bulb, one electric fan, a refrigerator and a plug point for appliances of power up to 2 kilowatt. Here, this is the live wire. हमने पहले भी discuss किया, यहाँ पे fuse लगेगा. This is fuse. And This is neutral. यहाँ पर आपके पास ये सारे के सारे कनेक्शन पैरेलल में होंगे सो दिस इज बल्ब बल्ब के लिए अर्थिंग की जरूरत नहीं होगी ये आपके पास फैन है फैन के लिए अर्थिंग की जरूरत नहीं है अब ये प्लग पॉइंट है पावर प्लग पॉइंट होगा तो इसके लिए अर्थिंग की जरूरत होगी यहाँ पे हमने इसको अर्थिंग के साथ कनेक्ट कर दिया ये वाला जो थर्ड टर्मिनल होगा यहाँ पे रेफ्रिजरेटर है रेफ्रिजरेटर में भी अर्थिंग की जरूरत होगी तो इसको हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया सो दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम नेक्स्ट इज इन द फिगर गिवन बिलो ए नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट इज शोन टू पास थ्रू ए ट्रेंगुलर ग्लास प्रिज्म आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म इट प्रोड्यूसेस ए स्पेक्ट्रम एक्स वाई ऑन द स्क्रीन दिस इज वेरी मच अंडरस्टूड ये आपने कई बार देखा होगा ये हमेशा नीचे से ऊपर को बनता है विब ग्योर दिस इज विब ग्योर दैट मीन्स एक्स इज वायलेट वाई इज रेड नेम द फिनोमेना फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्शन स्टेट द कलर सीन एट एक्स एंड वाई वाई डू डिफरेंट कलर्स ऑफ वाई लाइट बेंड एट डिफरेंट एंगल्स थ्रू ए प्रिज्म ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट होगा जिनकी छोटी वेवलेंथ है उसके लिए ज़्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ है उसके लिए कम होता है दैट मीन्स वायलेट के लिए बहुत ज़्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जबकि रेड के लिए कम होगा
और जिसके लिए ज्यादा होगा वो ज्यादा बैंड कर जाएगा. दैट मीन्स दिस इज वायलेट, इसके लिए ज्यादा है तो ये ज्यादा बैंड कर गया अपने पाथ से, रेड के लिए कम है तो ये कम बैंड किया अपने पाथ से. सो हम लिखेंगे कैसे इसको, लेट अस सी. डिफरेंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट बैंड एट डिफरेंट एंगल्स. सिंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स, फॉर कलर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेसर, वेयर एज फॉर स्मॉलर वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर. सो द कलर्स ऑफ स्मॉलर वेवलेंथ दैट इज वायलेट इज बेंट मैक्सिमम एंड रेड द लीस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन वी मे सी. सुधा फाइंड्स आउट द शार्प इमेज ऑफ विंडो पेन ऑफ हर साइंस लेबोरेटरी इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. शी नाउ ट्राइज टू फोकस द बिल्डिंग विजिबल टू हर आउटसाइड द विंडो स्टैंड ऑफ द विंडो पेन विदाउट डिस्टर्बिंग द लेंस. इन विच डायरेक्शन विल शी मूव द स्क्रीन इफ इमेज इज गेटिंग ऑन द स्क्रीन. इन दैट मीन्स दिस इज रियल इमेज, और रियल इमेज जो बनती है वो कन्वेक्स लेंस में बनती है. दैट मीन्स एक चीज तो यहाँ से क्लियर हो गई कि ये कन्वेक्स लेंस होगा. नाउ कन्वेक्स लेंस के लिए तो जैसे उसको इमेज मिल रही है ग्लास पेन की, दैट मीन्स विंडो पेन इज इधर दैट इज बियॉन्ड 2F. तो बियॉन्ड 2F के बाद अगर हम कोई लेंगे, दूर वाली चीज लेंगे, उसको हम इन्फिनिटी कंसिडर कर लेंगे. तो यहाँ पे दो पोजिशंस हो गई जिसके अगेंस्ट इमेज मिलनी है, बियॉन्ड 2F एंड इन्फिनिटी. बियॉन्ड 2F के लिए इमेज जो बनेगी हमेशा F और 2F के बीच में बनेगी. दैट मीन्स जो स्क्रीन है, स्क्रीन इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड 2F. और जब हमने ऑब्जेक्ट शिफ्ट कर दी इन्फिनिटी पे तो इमेज बनेगी प्रिंसिपल फोकस पे. तो हमको स्क्रीन को लेंस की तरफ को मूव करना पड़ेगा ताकि वो प्रिंसिपल फोकस पे आ जाए. तो अगर पहले इमेज बनी थी 15 सेंटीमीटर पे और अब हमने स्क्रीन को मूव कर दिया लेंस की तरफ, सो दैट डिस्टेंस विल बी लेसर देन 15 सेंटीमीटर. सो देखें आप इसमें कैसे लिखेंगे. इन अबव क्वेश्चन इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, दैट मीन्स इट इज कन्वेक्स लेंस एंड इमेज इज रियल. नाउ एनी फार डिस्टेंस इज इधर बियॉन्ड 2F और एट इन्फिनिटी. सो इफ शी इज लुकिंग एट द इमेज ऑफ विंडो दैट इज ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F, देन इमेज मस्ट बी लाइंग बिटवीन F एंड 2F. दैट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर. नाउ इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट विंडो पेन बट बियॉन्ड दैट, देन वी मे कंसिडर एट इन्फिनिटी. सो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट प्रिंसिपल फोकस. ऑल्सो लेंस इज नॉट टू बी मूव्ड, सो स्क्रीन विल हैव टू बी मूव्ड नियरर द लेंस दैट इज एट प्रिंसिपल फोकस. सो फोकल लेंथ मे हैव एनी वैल्यू लेस देन 15 सेंटीमीटर, दैट इज मे बी 10 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली, बट मस्ट बी लाइंग बिटवीन 15 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर, बिकॉज दिस 15 सेंटीमीटर इज रिटन हेयर बिकॉज आई हैव सेड के इमेज बनेगी F और 2F के बीच में. बाई चांस अगर F और 2F के बीच में दैट डिस्टेंस दैट पोजिशन मे बी क्लोज टू F और मे बी क्लोज टू 2F, इफ इट इज क्लोज टू 2F दैट मीन्स 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2F, देन 7.5 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू F. सो दिस इज देयर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू गेट मेटल फ्रॉम कंसेंट्रेटेड ओर. दिस इज समवट, दिस इज पार्ट सी एज वेल एंड दिस इज समवट लेंथी क्वेश्चन. आपको इसमें काफ़ी कुछ लिखना पड़ेगा कि कंसेंट्रेटेड ओर को आप कैसे ट्रीट करते हैं. पहले आप उसका ऑक्साइड बनाते हैं. ऑक्साइड बनाने के लिए भी आपके पास दो ढंग होते हैं, या तो आप उसका कैल्सिनेशन करोगे या उसकी रोस्टिंग करेंगे. कैल्सिनेशन में होते हैं आप उसको हीट करते हो विदाउट द सप्लाई ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और रोस्टेड में आप करते हो
इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ स्ट्रॉन्गली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, उसमें आप उसको हीट करते हो. डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को हम डिफरेंट डिफरेंट वे से एक्सट्रैक्ट करते हैं. उसके बाद जब आप उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हो, उसके बाद आप उसको रिड्यूस करते हो. अब रिड्यूस करने के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं कि किसको किस ढंग से रिड्यूस करना है. सो ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी. लेट अस स्टडी दिस. आप इसको देख लें इसको कैसे लिखना है. मेटल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंसेंट्रेटेड ओर बाय द फॉलोइंग स्टेप्स. फर्स्ट है कन्वर्शन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड एंड देन कन्वर्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल बाय रिडक्शन. सो फर्स्ट वी विल बी कंसिडरिंग हाउ वी विल कन्वर्ट दैट इनटू मेटल ऑक्साइड. तो स्टेप वन है, इट कैन बी डन बाय टू मेथड्स. एक होगा कैल्सिनेशन का, एक होगा रोस्टिंग का. अब देखते हैं कैल्सिनेशन किस केस में करनी है और रोस्टिंग किस केस में करनी है. कैल्सिनेशन में हम क्या करते हैं, या तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं या वाटर को रिमूव करते हैं, जो भी चीज़ वहाँ पे होगी. सो लेट अस सी दिस. कैल्सिनेशन इज डन टू रिमूव वोलेटाइल इम्प्योरिटीज दैट इज वाटर फ्रॉम हाइड्रेटेड ओर्स एंड टू रिमूव CO2 फ्रॉम देयर कार्बोनेट्स टू कन्वर्ट दैम इंटू ऑक्साइड. या तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना है या वाटर. अगर हाइड्रेटेड ओर है तो नेचुरली वाटर रिमूव करेंगे. कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कंसेंट्रेटेड ओर इन द अब्सेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इनटू मेटल. जैसे जिंक, फॉर जिंक हम क्या करेंगे, जिंक अकर्स एज जिंक कार्बोनेट इन कैलामाइन. तो इन दिस केस हम कैल्सिनेशन करेंगे इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिमूव कर देंगे और हमारे पास जिंक ऑक्साइड आ गया. हम उसको हीट करेंगे और हमारे पास जिंक ऑक्साइड आ गया. इसी तरह से एल्युमिनियम के लिए, एल्युमिनियम जो मिलता है वो मिलता है एल्युमिनियम ऑक्साइड हाइड्रेटेड इन बॉक्साइट ओर. यहाँ पे अगर इसका कैल्सिनेशन करेंगे यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा. सो यू विल बी गेटिंग Al2O3 प्लस वाटर. रोस्टिंग में क्या करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. रोस्टिंग में जैसे आपके पास जिंक ब्लेंड होता है उसमें से आपने सेपरेट करना है. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ कंसेंट्रेटेड और स्ट्रॉन्गली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव. दिस इज यूज टू कन्वर्ट सल्फाइड ओर. दिस इज यूज टू कन्वर्ट सल्फाइड ओर इन टू ऑक्साइड्स. जिंक अकर्स एज जिंक सल्फाइड इन जिंक ब्लेंड. सो जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड प्लस SO2. यहाँ पे आपके पास जिंक ऑक्साइड बन गया. नाउ स्टेप टू है कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल बाय रिडक्शन. अब रिडक्शन कितनी तरह से होती है यहाँ पे देखें. फर्स्ट है रिडक्शन बाय हीटिंग इन एयर. दिस मेथड इज फॉर मेटल्स लो इन रिएक्टिविटी सीरीज, जिनकी रिएक्टिविटी लो है. जैसे मर्करी फ्रॉम सिनावर HgS. दिस इज HgS सिल्वर सल्फाइड इज मर्करी सल्फाइड इज ऑब्टेन्ड यूजिंग दिस मेथड. फर्स्ट स्टेप है रोस्टिंग. रोस्टिंग में करेंगे आप HgS प्लस O2 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. आप उसको बर्न करेंगे HgO प्लस SO2 बन जाएगा और उसके बाद जस्ट आप उसको हीट करोगे 300 सेंटीग्रेड तक इस ऑक्साइड को, तो ऑक्सीजन निकल जाएगी आपके पास आ गया. तो जो लो है रिएक्टिविटी में उनको आप सिंपली हीट अप करके सेपरेट कर सकते हो. केमिकल रिडक्शन. केमिकल रिडक्शन में आप कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं, केमिकल लेते हैं, उनको मिक्स करते हैं, तो उससे आपकी केमिकल रिडक्शन हो जाती है. और लेना कौन सा होता है, थोड़ा सा जो उससे एक्टिव एलिमेंट है. जैसे तो ऑक्साइड्स ऑब्टेन्ड आफ्टर कैल्सिनेशन और रोस्टिंग कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड यूजिंग केमिकल एजेंट्स लाइक कार्बन, एल्युमिनियम, सोडियम एंड कैल्शियम एटसेट्रा. रिएक्शन विद कार्बन. कार्बन के साथ क्या करेंगे, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर, ये उनके लिए है जो थोड़े बहुत कम नहीं है लेकिन मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स लाइक जिंक, लेड, टिन एटसेट्रा. जैसे जिंक ऑक्साइड के साथ हम कार्बन को यूज करेंगे तो जिंक प्लस कार्बन मोनोक्साइड निकल जाएगा. दैट मीन्स जिंक ऑक्साइड में से आपने जिंक को निकाल लिया, इसका मतलब आपने रिड्यूस कर दिया कि जिंक ऑक्साइड को जिंक में रिड्यूस कर दिया. इन दिस प्रोसेस मेटल ऑक्साइड इज मिक्स्ड विद कोक. कोक इज कार्बन.
and then heated in a furnace, carbon reduces to oxide. Carbon reduces the oxide to matter and evolve carbon monoxide. Reaction with aluminium. Aluminium ke saath aap kisko karoge? Some metal oxides are reduced with the help of aluminium. Jaise manganese, chromium, vanadium, etc. So, yahan pe MnO2 plus aluminium. This gives you manganese plus aluminium oxide. That means, yahan pe kya tha? Yahan pe aluminium jo tha, wo jyada reactive tha manganese. Aur usne Mn ko replace kar diya. Reduction by electrolysis. That means, hum jab bhi hum kisi se karenge, wo jis element ko hum use kar rahe hain, wo element metal oxide wale metal se jyada active hona chahiye. Reduction by electrolysis. Ye kiska hoga? Jo bahut jyada active element hai, jinko hum otherwise reduce nahi kar sakte, usko hum electrolysis se karenge. The oxides of active metals are reduced using electrolysis. This is also called electrolytic reduction. Al2O3 is not reduced to aluminium using carbon. It is reduced to aluminium using electrolysis of molten aluminium oxide. Here, Al3 positive are reduced at cathode to aluminium. So, this is electrolytic reduction. So, you can do this reaction. Itna aapko is question mein likhna padega. Next, aapke paas, name the gas evolved during fermentation process. This is carbon dioxide. Next hai, what role is played by yeast in the conversion of cane sugar C12H22O11 to ethanol? So yeast gives rise to two important enzymes, invertase and zymase. These enzymes are required to convert cane sugar to ethanol. First kya hoga? Sucrose is naturally occurring carbohydrate present in sugar, and invertase breaks it into two components, one is glucose and one is fructose. So reaction ho gaya C12H22O11 plus H2O, and with the help of invertase, enzyme invertase, it gets converted to glucose and fructose. And zymase, what does zymase do? Zymase converts this glucose to alcohol. This is glucose, this is zymase, this converts this into alcohol. That is C6H12O6 gives rise to alcohol plus carbon dioxide. How can the following be obtained from pure ethanol? Express chemical reactions by the chemical equation. Sodium ethoxide, ethyl ethanoate, ethanol. So let us see what are the reactions for this. First aapke paas, how does sodium ethoxide is obtained from pure ethanol? Sodium ethoxide from pure ethanol is obtained by reacting it with sodium. If you react it with sodium, because sodium is very much reactive than hydrogen. So, but natural, this sodium will displace this hydrogen. Hydrogen will come out and sodium will take its place. So, sodium ethoxide will be there. Next question is, ethyl ethanoate, ye humne piche questions mein kiya hai, this is called esterification. This is called esterification. Ethyl ethanoate can be obtained from ethanol by warming it with ethanoic acid. Ethanol plus ethanoic acid will give ethyl ethanoate. This is called esterification, jo humne pehle bhi ki. That means C2H5OH plus CH3COH concentrated H2SO4 ki presence mein iska aap H le lein aur iska OH, to H2O bahar nikal jayega. That means aapke paas ban gaya CH3COOC2H5 plus H2O, and this is ethyl ethanoate. Next question tha, how ethanol can be obtained? Ethanol will be obtained by the oxidation in the presence of chromium trioxide. So, it will give you ethanol plus water. 27 or 28 question jo hain, those are from bio. So, let us see next question. What is the need of combining different resistors? What is the resultant resistance when a number of resistances are connected in series?
तो हमको रेजिस्टेंसेस को कंबाइन करने की जरूरत पड़ती क्यों है? देर आर सो मेनी रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट अप्लायंसेस, तो सारे रेजिस्टेंसेस डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के रखने बहुत मुश्किल होते हैं। तो इसलिए व्हाट वी डू, वी टेक डिफरेंट रेजिस्टेंसेस एंड बाय ज्वाइनिंग देम इन सीरीज एंड पैरेलल वी गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंसेस। सो व्हाट कैन बी रिटन इन दिस केस, यू कैन राइट डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस आर रिक्वायर्ड फॉर सो मैनी डिफरेंट सर्किट्स फॉर वेरियस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, बट इट इज़ डिफिकल्ट टू हैव रेजिस्टेंसेज ऑफ ऑल द वैल्यूज एट द सेम टाइम। सो वी मे ऑब्टेन रेजिस्टेंस ऑफ एनी वैल्यू बाय कंबाइनिंग अवेलेबल रेजिस्टेंसेज इन सीरीज और इन पैरेलल और कंबिनेशन ऑफ बोथ। सो हाउ विल यू फाइंड आउट इक्वलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज? सो दैट इज अगेन क्वाइट सिंपल। इक्वलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, व्हाट वी डू, इफ ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज आर ज्वाइंट इन सीरीज, दैट मीन्स रेजिस्टेंसेज आर ज्वाइंट। पहले हमको देखना पड़ेगा सीरीज का मतलब क्या है। रेजिस्टेंसेज आर ज्वाइंट एंड टू एंड सच दैट सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टेंस इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वैल्यू। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द वैल्यू के आर वन आर टू आर थ्री ज़्यादा है कम है। अगर सीरीज में है तो सेम करंट उनमें से फ्लो करेगा। ईच रेजिस्टेंस इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वैल्यू। वी कंसिडर थ्री, हमने तीन रेजिस्टेंस कंसिडर किए आर वन आर टू आर थ्री। इन अबव सर्किट डायग्राम सेम करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स। आई इनमें से पास कर रहा है। सो इफ दिस पोटेंशियल वी इज अप्लाइड दैट मीन्स दिस होल पोटेंशियल इज कंज्यूम्ड फ्रॉम हेयर टू हेयर। सो वी कैन कंसिडर दैट लेट वी वन इज द पोटेंशियल ड्रॉप हेयर, कि यहाँ से यहाँ तक जाने में वी वन कंज्यूम हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक जाने में वी टू कंज्यूम होता है, और यहाँ से यहाँ जाने तक जाने में बाकी जितना बच गया इस वी में से वो कंज्यूम हो गया। दैट मीन्स आई में राइट वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। इफ करंट आई इज पासिंग थ्रू दिस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, दिस वी वन इज इक्वल टू आई आर वन, दिस वी टू इज आई आर टू, वी थ्री इज आई आर थ्री। एंड इफ आर इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस, कि आर वन आर टू आर थ्री इन तीनों को हटा के अगर मैं एक आर इक्वलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा? करंट इज पासिंग आई, पोटेंशियल इज वी, वी इक्वल टू आई आर इक्वलेंट। वाई आई आर इक्वलेंट इज इक्वल टू वी। सो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, लेट अस कंसिडर दैट इक्वलेंट रेजिस्टेंस इज आर ई क्यू, विच कैन रिप्लेस ऑल द रेजिस्टेंसिस टू हैव सेम वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, दैट इज वी इज इक्वल टू आई सेम एज टेकन अबव एंड दिस इज आर इक्वलेंट। सो कंबाइनिंग दिस फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इस वी वन की जगह मैं आई आर वन कर दूँ, दिस इज आई आर टू हेयर, आई आर थ्री हेयर, और इस वी की जगह मैं यहाँ से आई आर ई क्यू, दैट इज इक्वलेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ये फिल कर दूँ, तो आई आई कैंसिल हो जाएंगे एंड आर इक्वलेंट इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। सो दिस इज द रिजल्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एयर बबल इन वाटर इज शोन इन फिगर, थ्री रेज ऑफ लाइट आर इंसिडेंट ऑन एयर बबल। ये आपको जो लाइट्स दिखा रखी हैं ये थोड़ी ऊपर नीचे हैं, आपको एग्जैक्ट डायग्राम इसका बनाना पड़ेगा। तो दिया क्या है आपको, लेट अस रीड द क्वेश्चन। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे वन ऑन द एयर बबल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। इफ इट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल दैट मीन्स ये इसके अंदर एंट्री नहीं करेगा, यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे टू ऑन द एयर बबल इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल। इफ इट इज लेसर देन द क्रिटिकल एंगल इट विल पास थ्रू दिस, इट विल गेट रिफ्रैक्टेड इन टू द दिस एयर बबल। रे थ्री इज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ द बबल। इफ दिस इज परपेंडिकुलर दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो, बिकॉज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल। सो इफ बोथ आर इन द सेम लाइन एंगल विल बी जीरो, सो इट विल गो अनडिविएटेड।
सो लेट अस स्टडी के क्वेश्चंस क्या क्या पूछे हैं. इन फिगर एट द पॉइंट वेयर रे वन मीट्स द एयर बबल, मार्क द नॉर्मल टू द सरफेस. यस दिस इज द नॉर्मल. अलोंग रेडियस इज द नॉर्मल. एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. दिस इज नॉर्मल, दिस इज रे वन, सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. कंप्लीट द रे डायग्राम टू शो हाउ ऑल थ्री रेज कंटिन्यू आफ्टर दे मीट एयर बबल. हियर इट इज गिवन. दिस इज आई, दिस इज आर एंड आई इक्वल टू आर बिकॉज दिस इज टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड. नेक्स्ट नेक्स्ट है कि ये जो रे आ रही है सेकेंड वाली रे सेकेंड, इट इज लेस देन क्रिटिकल एंगल. दैट मीन्स इफ दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल. दैट मीन्स द रे विल गेट इन टू दिस मीडियम एंड विल डिविएट अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अवे वाई इट इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बिकॉज दिस इज डेंसर, दिस इज रेयरर. The ray is entering from denser to rarer, so it will not move, it will not deviate towards the normal, it will deviate away from the normal. And in third case, the incident ray is lying on the normal itself, that means I equal to 0. If I equal to 0, that means R equal to 0. Next hai, define wet index of water. If the speed of light in air is given to you, and speed of light in water is given to you. In this case, this is regarding refractive index of water with respect to air. So, if there are two values given, that in water and in air, so we may consider that refractive index of water with respect to air is equal to speed of light in air divided by speed of light in water, and that is values are given to us. If we put down these values here, we get 1.36. So friends, this is all about this paper. So thanks a lot.